प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के ऊपर कानपुर के एक अधिवक्ता ने परिवाद दाखिल कराया है। यह पूरा मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के कारण जुड़ा है। कानपुर के एक अधिवक्ता मनोज कुमार दीक्षित ने मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कानपुर न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसका आधार उनका एक वीडियो है। इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा ने मां राधा रानी के जन्मस्थल और विवाह के संबंध में जो कहा है, उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस लगी है। ये कहना है अधिवक्ता मनोज दीक्षित का। हिंदू कुल में जन्मे और ईश्वर में अगाध आस्था रखने वाले मनोज कुमार दीक्षित निरंतर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनते हैं, जिसकी वीडियो YouTube पर उपलब्ध है। लेकिन उनके द्वारा एक ऐसे ही YouTube वीडियो के कारण मनोज दीक्षित के हृदय को गहरा आघात लगा है। उन्होंने हिंदुओं की आस्था के प्रति इस अपमान का विरोध करना अपना नैतिक अधिकार माना, जिस कारण उन्होंने कथावाचक पर धारा 153A, 295A, 298 IPC में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें कानपुर न्यायालय आगामी सुनवाई 26 जून को करेगा। अपना परिचय दे दे। एडवोकेट मनोज कुमार दीक्षित, मैं क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूँ। विगत 30 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। आज आपने विवाद दाखिल किया है, किसके? मैंने कल दिनांक 13 तारीख को सुबह न्यूज़पेपरों में पढ़ा, उसमें YouTube में वीडियो प्रचलित हो रहा था। देश के प्रसिद्ध कथावाचक शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, जो कि इनके करोड़ों भक्त अनुयायी हैं, इन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से कृष्ण की आराधनी शक्ति परम अम्बा माँ राधा रानी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राधा रानी कृष्ण की पत्नी नहीं थी और वो किसी वो अनय घोष की पत्नी थी। उनका जन्म जो है रावल गांव में हुआ था, जबकि ब्रह्मान की पुत्री राधा बरसाने में पैदा हुई। उनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हुआ, उनका विवाह ब्रह्मा जी ने कराया। तो भगवान कृष्ण की वो पत्नी हैं। इन्होंने करोड़ों भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाई, हृदय बड़ा व्यथित हुआ, मन अशांत हो गया। तब हमने जाकर के उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया। क्या मतलब किन किन धाराओं में चले? मैंने इनके विरुद्ध जो है धारा 153A, धारा 295A व 298 IPC के तहत परिवाद दाखिल किया है। क्या तारीख? इसमें अगली तारीख जो है 26/6/2024 मुकदमे की सुनवाई हेतु नियत की गई है। किसके ऊपर? प्रदीप पंडित प्रदीप मिश्रा के ऊपर किया हमने।